अभी हम एक्सरसाइज 1.1 का डी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर दिया गया है, इसका न्यूमेरल यानी नंबर बना के लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम पहले जो दिए गए नंबर्स हैं इनकी डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। वंस की डिजिट के लिए यहाँ पर एक डिजिट है, टेंस की डिजिट के लिए दो, हंड्रेड की डिजिट के लिए यहाँ पर थ्री डिजिट्स है, और थाउजेंड की डिजिट के लिए फोर डिजिट है, और 10,000 के लिए फाइव डिजिट है। यानी कि हम इसको 1000 और 10,000 को मिला करके 45,000 यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 45, 4, 10,000 और 5,000 दोनों को मिला करके हम 45,000 लिखते हैं। यानी कि इसकी डिजिट लेंगे 4 और इसकी डिजिट लेंगे 5, 4, 10,000 की प्लेस पर, 5,000 की प्लेस पर, और फिर लगाते हैं कॉमा। 1,000 और 10,000 की प्लेस को सेपरेट करने के लिए कॉमाज लगाई जाती है। अब हम इसमें लेंगे 100 की प्लेस पर 7, और टेंस की प्लेस पर भी 7, और वंस की प्लेस पर 2। ये हो गया 772, ये भी 772। तो ये पूरा नंबर क्या बना? 45,772। इसमें हमने इन डिजिट्स को काउंट करके और ये न्यूमेरल बनाया है। अब इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम 5 डिजिट वाले नंबर को कहाँ लिखेंगे? ये जो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, तो ये 6 जो है 10,000 की जगह पर आएगा, और 1,000 की प्लेस पर क्या आएगा? यहाँ कोई डिजिट नहीं दिए जीरो के अलावा, तो हम 10 ही लिखेंगे। यहाँ पर हालांकि 40 आपको दिख रहे हैं, लेकिन 40 लिखें, 3 लिखें, 5 लिखें, जीरो की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने 1,000 की प्लेस पर 10 लगा दिया, यानी कुल मिला करके अब ये बन गया 60,000। 100 की प्लेस पर 30 दिख रहे हैं, लेकिन हम डिजिट 1 ही रखेंगे, तो यहाँ पर 100 की डिजिट पर क्या रखेंगे? कॉमा लगा करके 0 रखेंगे। और इसी तरह से टेंस और वंस की डिजिट के लिए 2 और 6 लेंगे, तो ये हमारा नंबर बना 60,026। 60,000 में 60, 1,000 और 10,000 को मिला करके इसको 60,000 कहेंगे, और 100 की प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 है, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सीधा 26 पढ़ेंगे। पढ़ते समय हम इसको बोलेंगे 60,026, 100 को हम बीच में 0,100 नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से अभी हम सेम मेथड को फॉलो करें। यहाँ पर 5 डिजिट वाला है, ये नंबर 30,000, इसमें हम एक डिजिट लेंगे, हर पार्ट से हम एक एक डिजिट ले रहे हैं। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए थे, एडिशन में हमने 5 डिजिट वाला नंबर बनाया, और इसी तरह से इसमें भी, अब इसमें भी 5 डिजिट वाला नंबर हमें बनाना है। तो पहली डिजिट लेफ्ट साइड से कौन सी होगी? 3, 10,000 और 9,000, यानी कुल मिला के ये बन गया 39,000। और अब 100 की प्लेस पर क्या आएगा? 900 की प्लेस पर एक ही डिजिट होगी इस एक नंबर के लिए, और यहाँ पर टेंस की जगह 0 और वंस की जगह पर 8, तो ये नंबर बना 39,908। और इसी मेथड से हम इसको लेते हैं 5 के लिए, प्लेस वैल्यू इसकी है 10,000 की, और ये नंबर बनेगा 50,000, तो हम इसको लेते हैं 10,000 की प्लेस पर, एक डिजिट ही यूज़ करेंगे हर नंबर के लिए। तो यहाँ हमने इसकी डिजिट यूज़ की 5, 1,000 के लिए 2, तो ये बन गया 52,000। 100 के लिए भी एक डिजिट लिखेंगे तो 800, और 10 और 1 को मिला करके 11, टेंस की जगह पर 1 लिखेंगे और वंस की जगह पर भी 1, तो ये नंबर कौन सा बना? 52,811। इसी मेथड से हम पांचवा क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसमें 10,000 की प्लेस पर 8 और 1,000 की प्लेस पर 0, 100 की प्लेस पर भी 0 और टेंस की प्लेस पर भी 0 और वंस की प्लेस पर 8, तो ये नंबर कौन सा बना? 80,008।
इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का डी पार्ट एक्सरसाइज 1.1 में डी पार्ट के पांचों सम्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, किस मेथड से सॉल्व किए जाते हैं ये भी आपको सिखाया। अभी आपको ई पार्ट में कुछ फिलअप्स दिए हैं, इस फिलअप को हम फिल करके दिखाएंगे। यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू लेते हैं, तो प्लेस वैल्यू के लिए कौन सी प्लेस पर कौन सी डिजिट है वो लिखेंगे। यहां पर कौन सी प्लेस को दिखाना है, फाइव की प्लेस को, तो फाइव कहां पर है, यहां पर हम डिजिट काउंट कर लेते हैं, टोटल फाइव डिजिट है, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो फाइव इज इन द टेन थाउजेंड प्लेस, टेन थाउजेंड प्लेस यहां पर लिखेंगे टेन थाउजेंड। और सेवन किस जगह पर है, हंड्रेड पर, तो इसमें लिखेंगे हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड प्लेस। तो इस तरह से हम जो डिजिट जिस प्लेस पर है उस प्लेस को हम इसमें मेंशन करेंगे। और 10,000 को अगर हम नंबर में मेंशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, 10,000 के लिए हम नंबर में मेंशन करते हैं तो इस तरह लिखते हैं फाइव डिजिट, क्योंकि ये जो है 1, 2, 3, 4 फाइव डिजिट पर है, फिफ्थ नंबर लेफ्ट साइड साइड में वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने इसकी प्लेस को मेंशन किया। इसी तरह से आपको थ्री और फोर की प्लेस वैल्यू भी इसमें नंबरों में शो करनी है, वन की और जीरो की भी। ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको खुद करना है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आपको आगे पढ़ेंगे।